हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूके चैनल। मेरा नाम है सूरज और मैं आज आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर सिस्टम की स्टडी आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक और आगे ग्रेजुएशन में भी बहुत काम में आएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। इसको हिंदी और मराठी में संख्या पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहला नंबर लिया है होल नंबर। होल नंबर का मराठी और हिंदी में मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। इसको डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं, ये कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोटेड करते हैं और ये स्टार्ट होता है जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर लास्ट इन्फाइनाइट, ये नंबर आगे बढ़ते ही जाते हैं। जीरो के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं वो सब होल नंबर में आते हैं, ठीक है। इन्फाइनाइट यानी कि अनंत। और दूसरा अभी यहाँ पे मैंने लिया है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर का मतलब है हिंदी और मराठी में भी सेम मतलब है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको कैपिटल आई से डिनोटेड करते हैं। और इंटीजर नंबर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन निकालना है। नंबर लाइन में बीच में जीरो रहता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर नंबर में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ये दोनों भी नंबर आते हैं और जीरो भी इसमें आता है। नेक्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर यानी कि नैसर्गिक संख्या। इट इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन। नेचुरल नंबर को एन से डिनोटेड करते हैं और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to infinite, ठीक है। तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है और जो हमने पहले लिया था होल नंबर वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दोनों नंबर आप लोगों को इजीली और जल्दी याद हो जाएंगे कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट, और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to infinite। दोनों में लगभग सेम ही नंबर है, सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है और दोनों में पॉजिटिव नंबर आते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि मुख्य संख्या। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो इसको पी से डिनोटेड करते हैं। और प्राइम नंबर यानी कि कौन से नंबर होते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ और वन। तो जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर वन से, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो वन से डिवाइड नहीं होता, वन से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो हमें सिर्फ ऐसे नंबर देखने हैं जो खुद के ही नंबर से डिवाइड होते हैं। खुद के नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर को प्राइम नंबर यानी कि मुख्य संख्या कहते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर में टू आता है, टू ऐसा नंबर है जो वन से डिवाइड कर सकते हैं हम, और टू को अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। टू को अगर डिवाइड करना है तो टू से ही डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही थ्री भी वैसा ही नंबर है, 5, 7, 11, इसके बाद 13 भी आता है, ठीक है। और आगे ऐसे नंबर आते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो जो खुद से ही डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर प्राइम नंबर में आते हैं। तो अपना नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर यानी कि मिश्र संख्या। तो मिश्र संख्या कौन सी है, द नंबर कैन डिवाइडेड बाय एक्जैक्टली बाय नंबर अदर दैन वन और इट से। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो नंबर वन वन से या फिर इट से यानी कि खुद से, वन और खुद के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो नंबर वन और खुद के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर कौन से हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको कैपिटल सी से डिनोटेड करते हैं और नंबर कुछ इस तरीके से है 4, 6, 8, 9,
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं जो दूसरे भी नंबर से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 4 उसे भी डिवाइड होता है, 6 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, मतलब 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, 8 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से 1 से और खुद से भी डिवाइड हो रहे हैं और अदर नंबर से यानी कि दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं यानी कि मिश्र संख्या। नेक्स्ट नंबर है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, इसको असामयिक संख्या भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओ, तो ऑड नंबर को ओ से डिनोटेड करते हैं। द नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ऐसे नंबर को ऑड नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 17 19, इसे भी आगे आप लोग बता सकते हैं नंबर कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर। तो नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उस नंबर को इवन नंबर कहते हैं। अभी 2 से 2 से डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब 2 के मल्टीप्लिकेशन में भी आएंगे, तो ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं या फिर 2 के मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं तो ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहेंगे यानी कि सम संख्या। इट इज डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई से डिनोटेड करते हैं। और नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे बहुत सारे नंबर ये आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, पी और क्यू ये इंटीजर नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है और डिनोमिनेटर में जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इंटीजर नंबर में 0 आता है लेकिन सिर्फ क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, पी की वैल्यू 0 हो सकती है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोटेड करते हैं। और नंबर कुछ इस तरीके से है 2/3, माइनस में भी आएंगे -4/5, 0 भी आएगा, इंटीजर नंबर में 0 भी आता है तो रैशनल नंबर में भी 0 आएगा, और 7/6, -9/8, अगर इस तरीके से आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहे हैं तो उस नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पे आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि जो नंबर है वो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर समझो कि यहाँ पर 4/2 ये अगर मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया तो ये भी इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है, लेकिन ये इसका एग्जैक्टली यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 2 4, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बाकी रहेगा। तो अगर इस तरीके का आपको ये डिवाइडेशन हो रहा है और एक सिंगल नंबर एक सिंगल इंटीजर अगर बाकी रह रहा है तो इस टाइप के नंबर को रैशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। रैशनल नंबर होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर आना जरूरी है, न्यूमरेटर में भी इंटीजर नंबर आना जरूरी है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर नंबर का होना जरूरी है। आगे इरेशनल नंबर, नेक्स्ट वाला नंबर है इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर हो गया परिमेय संख्या, इसके बाद है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इट इज डिनोटेड बाय आर बाय क्यू, आर यानी कि रियल नंबर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आर यानी कि रैशनल नंबर नहीं है, आर यानी कि रियल नंबर है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में इस ये नंबर के बाद का मैं लूँगा रियल नंबर, उसमें बताऊँगा मैं कि रियल नंबर यानी कि कौन से नंबर होते हैं। तो रियल नंबर से रैशनल नंबर को डिवाइड होना, रियल किसी भी रियल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। और नंबर कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है हमें, स्क्वेयर रूट में, क्यूब रूट में, स्क्वेयर रूट में होते हैं या फिर क्यूब रूट में मिल सकते हैं। और स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट के नंबर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से भी हमें वैल्यू मिल सकते हैं, 0.1, 0.0, 1.2, 1.1.2 और इस तरीके से 0.1 में हमें वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पाई की वैल्यू भी डाला है, ये भी इरेशनल नंबर में आता है, पाई ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, पाई की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं
pi equals to 22/7 3.14 ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर यानी कि वास्तव संख्या, इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको कैपिटल आर से डिनोटेड करते हैं। ऑल नंबर आर रियल नंबर, सभी नंबर ये रियल नंबर है, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब में जो नंबर आते हैं वो सब नंबर रियल नंबर है। तो रियल नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो हम यूज करते हैं रियल में। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर, इसके दो नाम है, इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं इसको या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अवास्तविक संख्या, द रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी यूनिट आर इज कॉल्ड इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर को, कोई भी रियल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है इमेजिनरी यूनिट आई के साथ। तो कोई भी अगर रियल नंबर को आई के साथ अपने मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर बनेगा वो अपना नंबर होगा इमेजिनरी नंबर। जैसे कि यहाँ पे 5 इंटू आई क्या है, 5 ये रियल नंबर है, इसको आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू आई हो गया यानी कि 5 आई, तो ये बन गया इमेजिनरी नंबर। 2 आई 6 प्लस 2 आई, जो नंबर आई के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होके आते हैं उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोटेड करते हैं और इसका फॉर्मूला जेड इज इक्वल्स टू आर इंटू आई, आर यानी कि रियल नंबर इंटू आई यानी कि इमेजिनरी नंबर। इन दोनों नंबर में रियल नंबर यानी कि जो नंबर रियल में है और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर जो नंबर रियल में नहीं है इसको सिर्फ हमें इमेजिन करना है।